नमस्कार, सुप्रभात। मी अजिंक्य भातंब्रेकर, तुम्ही पाहता आहात न्यूज 18 लोकमत आणि महत्त्वाच्या बातमीने आपण बुलेटिनची सुरुवात करूया। बीडच्या इरफान शेखचं यूपीतलं धर्मांतर कनेक्शन आता समोर येताना दिसतंय। उत्तर प्रदेशमध्ये धर्मांतर करणाऱ्या 3 जणांना अटक करण्यात आलेली आहे। उत्तर प्रदेश पोलिसांनी 3 तरुणांना अटक केलेली आहे। धर्मांतर प्रकरणी अटक केलेल्यांमध्ये एक जण हा बीडचा असल्याचं देखील समोर आलेलं आहे। इरफान खान नावाची ही व्यक्ती मूळचा परळीच्या शिरसाळा गावचा आहे। अटक केलेला इरफान सध्या दिल्लीमध्ये राहत होता। उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ही कारवाई केलेली आहे। बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करणाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केलेली होती। यूपीतलं हे धर्मांतर कनेक्शन आता महाराष्ट्राच्या बीडपर्यंत आल्याचं बघायला मिळत आहे। 3 तरुणांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणी अटक केलेली आहे। अटक केलेल्यांमध्ये एक जण बीडचा असल्याचं समोर आलेलं आहे। परळीच्या शिरसाळा गावचा इरफान खान याचाही अटक केलेल्यांमध्ये समावेश आहे। अधिक माहिती या संदर्भातली आपण जाणून घेणार आहोत। सुरेश जाधव आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या। सुरेश, या सगळ्या धर्मांतर प्रकरणाचं बीड कनेक्शन देखील आता समोर आलेलं आहे। सुरेश, याबद्दल नेमकं काय सांगता येईल? इरफान खान हा बीड जिल्ह्यातील मूळ परळीचा रहिवासी आहे आणि परळीमध्ये शिक्षण घेऊन तो दिल्लीमध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरी करतोय आणि नोकरी करत असताना उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल मागच्या अहमदाबाद या ठिकाणी युनिव्हर्सिटीमध्ये गेल्यानंतर खुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचं कौतुक केलं होतं असं त्याच्या नातेवाईकांकडून सांगण्यात येत आहे। आणि शिरसाळा गावचं भूमिकुत्राचं कौतुक केल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांकडून मोठ्या प्रमाणात त्या संदर्भात इथल्या दैनिकांना यांना सांगण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर ज्यावेळेस या युपीतील कनेक्शनाच्या संदर्भात त्यांना विचारलं असता त्यांना धक्का बसलेला आहे। अशा पद्धतीचं आमचा इरफान करू शकत नाही अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं। मात्र कॅमेरा समोर बोलण्यासाठी अद्यापर्यंत त्यांनी आम्ही अगोदर आम्हालाच माहिती करून घेतो आणि नंतर बोलतो अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलंय। मात्र युपीमधील धर्मांतर कनेक्शनाच्या संदर्भामध्ये ज्यावेळेस या तरुणाचं नाव आलं त्यामुळे या ठिकाणी खळबळ उडाली आहे आणि यातच महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्राध्यापक म्हणून नोकरी करत असताना हा जो दिल्लीमध्ये काम करतो आणि दिल्लीमध्ये काम करत असताना अशा पद्धतीचे त्याचे संबंध समोर येत असतील तर या बाबतीमध्ये आता उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्याला अटक केलेली आहे। विशेष म्हणजे तो दिल्लीमध्येच होता आणि त्याच ठिकाणी त्याला अटक करण्यात आलेली असं नातेवाईक म्हणून सांगण्यात येत आहे आणि पुढची जी संबंधित त्याचा भाऊ आणि त्याचे घरातील नातेवाईक शिरसाळा या ठिकाणी राहतात अद्यापर्यंत त्यांनी कॅमेरा समोर काही बोलण्यास नकार दिला। सुरेश, आणखी काही व्यक्ती यामध्ये त्यांचा संबंध असू शकतो अशी शक्यता पोलिसांना वाटते का? यूपी पोलीस त्या अनुषंगाने तपास करतायत का? काही त्याबद्दलची माहिती? यूपी पोलिसांनी तसं 3 तरुणांना अटक केलेलं आहे आणि त्यातील इरफान हा बीड मधील आहे, बाकी 2 हे यूपी आणि इतर दिल्लीमधील असल्या कारणानं त्या संदर्भात यूपी पोलीस तर तपास करत आहे। मात्र हे धर्मांतराचं प्रकरण त्यात बनावट जे काही इस्लाम धर्माचे प्रमाणपत्र आहेत धर्माचे प्रमाणपत्र आहेत हे देण्याचंही त्यामध्ये सर्टिफिकेट देत असल्याचंही समोर आलेलं आहे। त्यामुळे एकूणच या प्रकरणामध्ये आता पोलीस तपास पोलिसांनी अटक केलेली आहे। अटक केल्यानंतर त्यातून इरफानच्या तपासानंतर त्याच्या कबुली जबाबानंतर आता काय काय समोर येत आहे ते पाहणं मात्र महत्त्वाचं ठरणार आहे। बिलकुल सुरेश, असेच आमच्या सोबत राहा, पुन्हा एकदा मी आपल्याकडे येणार आहे। याच संदर्भातली अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्या सोबत आपले प्रतिनिधी अजित सिंग देखील आहेत सध्या फोन लाईनवर। अजित, ये यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई की है धर्मांतरण के पूरे इस केस में, उसका महाराष्ट्र कनेक्शन भी अभी सामने आया है। बीड के एक युवक को यूपी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। अजित, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बिल्कुल, इरफान नाम के युवक की महाराष्ट्र के बीड से गिरफ्तारी हुई और ये उमर गौतम जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नेटवर्क जाकिर नाई, जैसे मोहम्मद और यूपी के समेत देश के 24 राज्यों और कई सारे देशों में उसका नेटवर्क फैला और 1000 से अधिक लोगों को धर्मांतरण किया गया, उसी के तहत इरफान की भी गिरफ्तारी हुई है। राहुल भोला और मुन्नू यादव, यानी 3 गिरफ्तारियां कल यूपी एटीएफ ने की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये उस गिरोह के बड़े मेंबर थे जो इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए काम करते थे, जो कि उमर गौतम का है। इसके साथ ही मूक बधिरों का ये लोग धर्मांतरण करवाते थे, इसके साथ ही ब्रेन वॉश करते थे। तो उमर गौतम और जहांगीर आलम, जिन्हें एटीएस पहले से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, उसी गैंग के ये बड़े सदस्य हैं और ऐसे 150 लोगों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें बीड़ का इरफान है महाराष्ट्र का। इसके भी कई सारे नेक्सस और रैकेट का पता चला, जो दिल्ली कई बार गया, कई बार दूसरे राज्यों में गया, केरल गया और लोगों को लालच प्रलोभन देते थे।
थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, विशेष तौर से इनके टारगेट पर गरीब हिंदू होते थे या जो मूक बधिर बच्चे होते थे जिनका जिनको वीडियो दिखाकर, जिनको ऐसे चित्र दिखाया जाता था जिससे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। कई ऐसे सारे साहित्य दस्तावेज और वीडियोज भी बरामद हुए हैं जिसमें मानव बम जैसे दिखाया जा रहा है कि बच्चों का विस्फोट हो रहा है मानव बम के जरिए, आधुनिक हथियार चला रहे हैं बच्चे, ये सब दिखाकर इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। तो अभी भी यूपी एटीएस की कार्रवाई चल रही है और अब इरफान और जो तीन गिरफ्तारी हुई उनसे पूछताछ के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में यूपी एटीएस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। हाँ। इस मसले पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया क्योंकि इसमें विदेशी फंडिंग और टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। जी अजीत, यूपी एटीएस को और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है जहां जिस जानकारी के बिना पर ये जो सारा नेक्सस है उसको सामने लाया जा सके, उस दिशा में कोई इंक्वायरी, उस दिशा में कोई पूछताछ हो रही है? देखिए बिल्कुल पूछताछ हुई थी जहांगीर गौतम, जहां उमर गौतम और जहांगीर से, उसी के दौरान चार विदेशी खाते मिले जिससे 1 करोड़ रुपए उमर गौतम के अलग अलग खातों में भेजे गए थे इस्लामिक दावा सेंटर के। और ये पैसा कहा जा रहा है कुछ हवाला के जरिए इनको पैसा मिला है। तो कई बड़े नेक्सस का खुलासा यूपी एटीएस को हुआ है और इसीलिए एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी हो रही है। और महाराष्ट्र का एक जो सेंटर था, धार्मिक सेंटर, 60 से अधिक ऐसे एनजीओ और धार्मिक संस्थान है जो खुफिया एजेंसियों के रडार पर है, जिनके संस्थापकों से उनके यहाँ कौन कौन आया, कब कब जो है ये उमर गौतम वहां गया, लखनऊ के एक संस्थान में भी उमर गौतम वाइस प्रेसिडेंट था, सबसे एटीएस पूछताछ करे। अब तक 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर एटीएस और एसटीएफ पूछताछ कर चुकी है। केरल, असम, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी यूपी एटीएस कर रही है। जी अजीत, इन पूरे नेक्सस के बारे में, उनकी मोडस ऑपरेंडी के बारे में विस्तार से क्या बताएंगे? देखिए बिल्कुल, इनका जो मॉडल अप्रेंटिस है ये करते क्या है कि गरीब हिंदुओं को टारगेट करते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं, पहले उन्हें नौकरी का लालच देते हैं, उनको पढ़ाई का लालच देते हैं और गरीब हिंदुओं को टारगेट करके उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और ब्रेन वॉश करने के बाद दबाव डालते हैं। अगर वो ब्रेन वॉश करने पर नहीं माने तो उन्हें वहां से गायब करके दबाव डाल के जबरन धर्मांतरण कराते हैं, जबकि कई राज्यों में धर्मांतरण का कानून लागू है कि आप फोर्सली धर्मांतरण नहीं करा सकते। तो ये पूरा नेक्सस है। और जो इस्लामिक दावा सेंटर है दिल्ली, वहां पर ये बाकायदा इनका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता, कई सारे मसले सहारनपुर और फतेहपुर के आए, कानपुर के आए, जो लोग वहां गए और उनके कागजात लिए गए और उसके बाद उनको उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें पता ही नहीं था। 160 परिवार ऐसे हैं लगभग जिनके घर के लोग अभी लापता हैं, वो सीधे तौर पर जो एटीएस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया उस पर वो बता रहे हैं। तो ये गरीब हिंदुओं को, मूक बधिर बच्चों को, छोटी छोटी बस्तियों में, सोसाइटीज में और जो धार्मिक संस्थान है जहां पर ये लोग जाते हैं और जहां पर ये ब्रेन वॉश करते हैं, उनके माध्यमों से ये पहले गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं और फिर हाँ। उन्हीं के जरिए दूसरे हिंदुओं को, क्योंकि वो आसानी से अपने जहां, जो कि जहां से वो वापस धर्म में गए रहते हैं उस धर्म के पहले से जुड़ाव होता है, तो उन्हीं के माध्यम से फिर आगे टारगेट करते हैं। और जो एटीएस ने अर्जी दी थी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ रिमांड में, उसमें विदेशी फंडिंग, टेरर एंगल और जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की बात कही गई थी कि ये ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके जो जनसंख्या का संतुलन है उसे बनाना चाहते हैं कि उनकी आबादी बराबर हो जाए। तो एक बड़ा और खतरनाक साजिश का यह रैकेट है जो इंटरनेशनल है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 300 से अधिक जो है पुलिस फोर्स लगाई, इसमें यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, पुलिस और एनआईए से भी जांच में शामिल होने का अनुरोध किया गया, केंद्रीय एजेंसियों से पूरी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वीडियोज हैं वो साझा किया गया। तो ये मानकर आपको चलिए कि आने वाले समय में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि अभी आतंकी संगठन जैसे का नाम आया है, जाकिर नाइक आया जो भगोड़ा मुस्लिम धर्मगुरु है, इसके साथ ही विदेशी फंडिंग और हवाला, चार खाते मिले हैं जहां से ट्रांजेक्शन हुआ है, कतर से हुआ है, पुर्तगाल, कई सारे ऐसे देश है। और उमर गौतम खुद आपको बता दें कि लंदन 18 बार गया है, यूनाइटेड स्टेट 4 बार गया और देश दुनिया के 18 से ज्यादा देशों में गया और वहां उसने अपने धर्म परिवर्तन के जाल को फैलाया। इन सब की जांच यूपी एटीएस एसटीएफ कर रही, इसीलिए ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया दिल्ली में कि आखिर ये जो पैसा आ रहा है कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है और क्या ये नियम के तहत आ रहा है, इन सब की जांच हो रही, क्योंकि बड़ा मामला, 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण हो चुका है जिसमें ज्यादातर लोगों को या तो बहला फुसलाकर या तो जबरन कराया गया धर्मांतरण। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरी जानकारी दी उसके बारे में। आपण बघतो आहोत खूप मोठ्या